हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं जो पिछले ईयर्स के नीट के पेपर्स में आए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिविजन भी रहेगा और आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। ठीक है, मतलब स्क्रीन के किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पे इंटेंसिटी है के। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। तो बेसिकली पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में हमको एक रिलेशनशिप बनाना है। तो हमें ये पता है जैसे ही पाथ डिफरेंस चेंज होता है वैसे ही फेज डिफरेंस चेंज होता है, और जैसे ही फेज डिफरेंस चेंज होता है वैसे ही इंटेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की। तो हमें यह पता है कि फॉर अ पाथ डिफरेंस लैम्डा, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है मतलब एक फुल साइकिल, तो उस केस में जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π। तो इसीलिए जब हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई 4। तो उस केस में हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस, मतलब इस पाथ डिफरेंस के लिए जो क्वेश्चन में है उस पाथ डिफरेंस के लिए हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है, और वो दोनों लाइट की कुछ इंटेंसिटी होती है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है हर एक सोर्स से, मतलब दोनों ही सोर्स से, एक एक सोर्स से लाइट की इंटेंसिटी है I0। तो उस केस में जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था, मतलब स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू I मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, जहाँ पे फाई हमारा फेज डिफरेंस है और I मैक्स हमारी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये I मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, I मैक्स को हम लिख सकते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये सारे एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं, इनफैक्ट रिकैप सेक्शन में भी हमने इनको डिराइव किया है, राइट। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस यहाँ से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होती है। तो हमें क्या पता है कि जब फाई की वैल्यू हो जाएगी 2π, उस वक्त कॉस स्क्वायर फाई की जो है वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4I0, मतलब ये मैक्सिमम वाले सिनेरियो में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है तो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर फाई के जगह पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, यानी कि 4I0 कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2I0। ठीक है, लेकिन हमको आंसर बताना है k के फॉर्म में, और k क्या है, k है वो इंटेंसिटी जो कॉरेस्पॉन्ड करता है पाथ डिफरेंस लैम्डा को। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2π होता है, और जब फेज डिफरेंस 2π होता है तो इंटेंसिटी कितना होता है, 4I0। तो लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 4I0 क्या है, ये k है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4I0 जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू k है। तो अब यहाँ पे 2I0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2I0 के जगह पे, यानी कि I0 के जगह पे हम लिख सकते हैं k/4। तो हम वही करते हैं, I0 की जगह k/4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा k/2, यानी कि C जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I एंड 4I रिस्पेक्टिवली आर सुपरपोज्ड। ठीक है, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द रिजल्टेंट पैटर्न आर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो लाइट हैं, उनकी इंटेंसिटीज़ हमें पता है। तो हमें क्या पता है, जब भी दो लाइट होती है आई वन और आई टू इंटेंसिटी की, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ओवर आई वन आई टू इंटू कॉस फाई, जहाँ पे फाई जो है वो फेज डिफरेंस है ये दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आई वन जो है वो आई है और आई टू जो है वो फोर आई है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ये वैल्यूज डाल दें तो हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, आई प्लस फोर आई प्लस टू इंटू आई इंटू फोर आई इंटू कॉस फाई, तो यानी कि ये हो जाएगा फाइव आई प्लस टू रूट ओवर फोर आई स्क्वायर इंटू कॉस फाई, या फिर हम इसको कह सकते हैं फाइव आई प्लस फोर आई कॉस फाई। ठीक है, तो अब आई की जो वैल्यू है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आई की आई मैक्स तब होगी जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। तो जब कॉस फाई वन होगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव आई प्लस फोर आई यानी कि 9i, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। ठीक उसी तरह इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब cos phi की वैल्यू मिनिमम होगी, और cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि जो cos phi की वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है, तब 0 डिग्री और 180 डिग्रीज पे इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं, तो कॉस फाइव -1 हो जाएगी। तो इस केस में जो आई मिनिमम होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5i - 4i यानी कि आई। तो हमारा आंसर है 9i एंड आई, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन YDSE दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, द इंटेंसिटीज रेशियो बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज 3। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड्स रेशियो दैट अराइव देयर इज। तो बेसिकली यहाँ पे हमको इंटेंसिटीज़ का रेशियो दिया हुआ है और हमें एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकालना है। तो हमारी जो बेसिक नॉलेज है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की, उससे हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटीज़ का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि आई वन बाई आई टू जो है वो दिया हुआ है 3:1 या फिर 3:1। तो आई वन बाई आई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए वन स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3:1। तो ए वन बाई ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट ओवर 3:1 या फिर √3:1। तो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11, ए पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास्ड थ्रू अनदर पोलराइजर हुज पास एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पास एक्सिस ऑफ द फॉर्मर। यानी कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब से एक पोलराइजर लगा हुआ है उसके बाद एक और लगा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट वेव निकलेगा वो डिपेंड करता है कि ये दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पे एंगल तो दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम सेकंड पोलराइजर। मतलब ये पहला पोलराइजर है, ये सेकंड पोलराइजर है, तो इसमें कुछ लाइट जा रही है, इसमें से निकल रही है, फिर ये लाइट इसमें जा रही है, इसमें से निकल रही है, तो जो फाइनल लाइट निकल रही है वो हमारी इमर्जेंट लाइट है। ठीक है, और ये I नॉट कौन से वाले लाइट की इंटेंसिटी है, जो सेकेंड पोलराइजर से पास हो रही है, मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी पास हो रही है वो है I नॉट। तो हमने तो मैलस लॉ ऑलरेडी पता ही है, मैलस लॉ के अकॉर्डिंग जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी वो होगी I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो यानी कि आई हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1:2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 1:2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आई नॉट बाई 4। तो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर यूज टू इल्यूमिनेट स्लिट्स, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ्स। ठीक है, द वेवलेंथ लैम्डा 1 कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ मेटल, बट द वेवलेंथ लैम्डा 2 कैन नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा 1 एंड बीटा 2 इज। तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है और बीटाज जो है वो फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, तो हमें क्या पता है,
कि जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा वो क्या होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन में लैम्डा वन और लैम्डा टू के बीच का रिलेशन निकाल लें तो हम बड़ी ही आसानी से बीटा वन और बीटा टू के बीच का रिलेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैम्डा पे फोकस करते हैं। तो लैम्डा का रिलेशन निकालने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा वन कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट लैम्डा टू कैन नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें क्या पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हम मेटल से निकाल देते हैं जब एक लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसमें फॉल करती है। तो नॉर्मली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये तभी हो पाता है जब जो लाइट फॉल कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अधिक हो। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये अकर तभी करता है, मतलब ये वैसी ही लाइट के लिए अकर करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब लाइट की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, क्योंकि जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी होगी। तो जब कभी भी जो लाइट फॉल कर रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैम्डा वन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि लैम्डा वन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या बराबर है, और लैम्डा टू के लिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, यानी कि लैम्डा टू की जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा वन की जो वैल्यू है वो लैम्डा टू से कम है। और जैसा कि मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि बीटा और लैम्डा जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि बीटा वन जो है वो बीटा टू से कम है। तो इसके हिसाब से हमारा ए सही ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।